सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। हमारा आज का ये एपिसोड उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहती हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको उन एंट्रीज के बारे में बताएंगे जिनके थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी में फीमेल कैंडिडेट्स को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर ही लिया जाता है, यानी फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन नेवी में केवल 10 से 14 साल तक की सर्विस कर सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं एंट्रीज की। तो इंडियन नेवी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मुख्य तौर पर 3 ब्रांचेस होती हैं जिनके थ्रू वे इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं, जिनमें पहली है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरी है इंजीनियरिंग ब्रांच और तीसरी है एजुकेशन ब्रांच। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। तो इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी 5 ब्रांचेस या 5 एंट्रीज होती हैं जिनके थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकती हैं, जिनमें सबसे पहले है ATC एंट्री। ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और इस एंट्री के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन साल में एक बार अप्रैल के महीने में आता है, और इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक यानी इंजीनियरिंग की डिग्री मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं इस ब्रांच की दूसरी एंट्री की, जो है ऑब्जर्वर एंट्री। इसके लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर के महीने में आता है, और इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, और इस एंट्री के लिए भी केवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल हैं। तो चलिए बात करते हैं इस ब्रांच की तीसरी एंट्री की, जो है लॉजिस्टिक एंट्री। इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसका नोटिफिकेशन भी साल में एक बार नवंबर के महीने में आता है, और इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इस लॉजिस्टिक एंट्री में भी 3 तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक लॉजिस्टिक कैडर, दूसरी वर्क और तीसरी केटरिंग। अगर आप लॉजिस्टिक कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए BE, BTech, MBA, BSc, BCom, BSc IT, MCA और MSc IT वाले ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी दूसरी वर्क ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए केवल सिविल ब्रांच के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और बी आर्किटेक्ट ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी तीसरी ब्रांच यानी केटरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए MSc HM, MBA HM, BSc और BA वाले ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चौथी एंट्री की, जो है पायलट एंट्री। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास DGCA द्वारा जारी किया गया कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो उसके लिए एज लिमिट 19 से 25 साल के बीच में रखी गई है। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर के महीने में आता है, और इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। और अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए भी केवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पांचवी और आखिरी एंट्री की, जो है लॉ एंट्री। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 22 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और इस एंट्री के लिए नोटिफिकेशन केवल वैकेंसीज के आधार पर ही निकाला जाता है। और अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए केवल लॉ ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 एंट्रीज जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के तहत आती हैं। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की। तो अगर आप इंडियन नेवी के एजुकेशन ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन साल में एक बार अप्रैल के महीने में आता है, और इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। और अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी ब्रांच वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं।
तो चलिए बात करते हैं तीसरी ब्रांच यानी कि इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो इसमें भी दो ब्रांच यानी दो एंट्रीज आती हैं, जिनमें सबसे पहले है नेवल आर्किटेक्चर। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और इसका नोटिफिकेशन साल में एक बार नवंबर के महीने में आता है। और इसके लिए भी आप इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, मेटलर्जी या फिर नेवल आर्किटेक्चर ब्रांच के साथ अपने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है। तो चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच की दूसरी एंट्री की, जो है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट, जिसे NAI एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और इसका नोटिफिकेशन भी साल में एक बार अप्रैल के महीने में आता है। और इसके लिए भी आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये अप्लाई करना होगा। और अगर बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इस एंट्री के लिए भी केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, केमिकल, मेटलर्जी या फिर एरोस्पेस ब्रांच से इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है। तो ये थी वो एंट्रीज जिनके थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।